पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक साजिश थी? एक साल पुराने एनिमेटेड वीडियो से उठे बड़े सवाल। आखिर क्या इशारा कर रहा है एक साल पुराना ये वीडियो? जी हाँ, पंजाब के भटिंडा में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद ये सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं कि क्या ये पूरी घटना किसी साजिश का हिस्सा थी। बीजेपी तो कम से कम यही दावा कर रही है, हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन यूट्यूब पर करीब एक साल पहले अपलोड किए गए एक वीडियो में हूबहू वैसा ही दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने से हंगामा बढ़ने के आसार हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने साल भर पहले यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस एनिमेटेड वीडियो को ट्वीट करके पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, यूट्यूब पर एक साल पहले ये एनिमेटेड वीडियो खालिस्तानियों द्वारा डाला गया। इसमें मोदी जी को फ्लाईओवर के ऊपर नकली किसानों द्वारा रोककर घेरकर मारने की कोशिश की जाती है, जैसा इस वीडियो में है। हूबहू वैसे ही पंजाब में करने की कोशिश की गई। मिश्रा ने अपने इस ट्वीट के साथ वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस वीडियो के आने से सियासी घमासान बढ़ना तय है। असल में ये वीडियो 1 दिसंबर 2020 को यूट्यूब पर फिर देखेंगे किसान एकता जिंदाबाद पंजाब जीटीए वीडियो 2020 धक्का गेमिंग शीर्षक से अपलोड किया गया है। इसे धक्का गेमिंग यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया है। बताया जा रहा है कि इस एनिमेटेड वीडियो को 5 जनवरी को खूब चलाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि उसी दिन किसानों के एक झुंड ने पीएम मोदी के काफिले को भटिंडा के एक फ्लाईओवर पर रोक लिया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 जनवरी को पंजाब में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करने हुसैनीवाला के शहीद स्मारक पार्क जा रहे थे। पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्हें भटिंडा एयरपोर्ट से उतरकर सड़क के रास्ते जाना पड़ा। उधर किसान रैली स्थल से 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को उन्होंने रोक लिया। किसानों के रोड जाम में पीएम को 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। हालांकि वो बाद में सुरक्षित दिल्ली तो लौट आए, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। वहीं ये वीडियो सियासी घमासान को और भड़का सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।